ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। जानकारी अनुसार ग्वालियर जिला पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे के द्वारा संपत्ति संबंधी प्रकरण अपराधों की धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। रात्रि को गश्त के दौरान चेकिंग करते समय एक ऑटो रिक्शा मुखबिर तंत्र की सूचना पर रोका गया, जिसमें बैठे लोगों के द्वारा समुचित कारण नहीं बताया गया। उनकी परिस्थिति भी कुछ संदिग्ध नजर आ रही थी, जिस पर में CSP महाराजपुरा रवि भदौरिया के द्वारा ऑटो शहर डीडी नगर पुलिस चौकी से थाना महाराजपुरा लाया गया, जहां इनसे पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछताछ की गई। युवकों द्वारा बताया गया कि वह चोरी की योजना बना रहे थे, तभी अचानक महाराजपुरा पुलिस के जवानों की गश्त के द्वारा नजर में चढ़ गए और पकड़े गए। पकड़े गए आरोपियों से थाना प्रभारी आसिफ मिर्जा बेग के द्वारा चोरी के सामान बरामदगी के लिए थाना सौनी वीर बहादुर सिंह भदौरिया के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। चोरी की घटना का खुलासा करने पर महाराजपुरा टीम को जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा 10,000 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कृत टीम थाना प्रभारी आशिफ मिर्जा बेग, उपन जितेंद्र सवन पनी वीर बहादुर सिंह भदौरिया, राजकुमार कटारे प्रधान, आर शिवपाल, आर राजीव शुक्ला, बीकम सिंह कुलदीप तोमर, सत्येंद्र रजावत शुक्ला, बीकम सिंह कुलदीप तोमर, सत्येंद्र रजावत राहुल दुबे, गोविंद रजावत, विजय बघेल, संजय गुर्जर, ध्रुव गुर्जर एवं साइबर सेल आर विश्ववीर सिंह जाट, अभिषेक तिवारी आदि अहम भूमिका सराहनीय रही। ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट।